अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अभी कुछ अपडेट पता चली थी तो सोचा आपसे शेयर कर दी जाए। एक तो खान साहब ने दोबारा रैली अनाउंस किया है, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दिया उन्होंने, आज से रैली का आगाज़ करेंगे और वही सेम रूट दादा दरबार तक जाएंगे और पूरे लाहौर में। और एक और न्यूज़ मिली है कि जो पहले उन्होंने रैली स्टार्ट करनी थी और उस रैली के बकायदा ज़िले इंतज़ामियों को इजाज़त मिली हुई थी, बकायदा रूट मिला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी रुकावटें डाली गई, काफ़ी तोड़ फोड़ हुई, काफ़ी नुकसान हुए। और आज खान साहब ने खुद रैली निकालनी है, खुद उसकी क़यादत करेंगे और बकौल उनके उनकी जान को भी ख़तरा है। तो देखते हैं कितनी आवाम निकलती है खान साहब के साथ। और ये भी सुना है कि दूसरे सूबों से भी लोग आए हुए हैं लाहौर में और खान साहब का साथ देने के लिए। और दूसरी एक और न्यूज़ पता चली है कि इलेक्शन कैंपेन का ऐलान होने के बाद, इंतखाबात की इजाज़त मिलने के बाद दफ़ा 144 नहीं लगता शहर में। तो ये दफ़ा 144 किसने लगाया, क्यों लगाया, और रैली की इजाज़त और रूट वगैरह सब मिलने के बावजूद ये सारा कुछ तोड़ फोड़, रुकावटें और ये सब कुछ किसने किया? तो इस पर PTI इंतज़ामिया जो भी है उन्होंने इस पर भी एक्शन लेने का फ़ैसला किया है। और उसके बाद दूसरा ज़िले शाह के जो एक वर्कर जहाँ बाक हुआ इस पूरे सिनेरियो में, उसके बारे में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें ये बताया गया है कि वो तशद्दुद से नहीं बल्कि हादसे में एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हुई है। तो काफ़ी सारी इसमें भी पेचीदियाँ हैं। अब इस पे PTI अपना जो भी उनका शेड्यूल है, जो भी उनका वर्क है वो करेंगे, इस चीज़ में मुकम्मल हो चाह रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए और उस पे इस चीज़ की तहकीक की जाए बाकायदा। तो सबसे मेन चीज़ जो है, एक तो ये है कि दफ़ा 144 लगता ही नहीं है जब इलेक्शन के इंतखाबात के ऐलान हो जाए। और उसके बाद दूसरी बात कि रैली को इजाज़त मिली हुई थी इंतज़ामी की तरफ से, रूट वगैरह अनाउंस हुआ हुआ था, तो इसके बावजूद रुकावटें डाली गई और रोकने की कोशिश की गई। तो और इसके बाद एक और मेन चीज़ कि आज खान साहब ख़ुद रैली का आगाज़ कर रहे हैं, ख़ुद उसकी क़यादत कर रहे हैं और आज 2 बजे वो निकलेंगे। तो देखते हैं लाहौर की आवाम और पाकिस्तान की आवाम कितना उनके साथ साथ देती है और कितनी आवाम निकलती है और इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो सुनने में तो यह आ रहा है कि लाहौर में जो रैली आज निकलेगी PTI की क़यादत में, इमरान खान साहब की क़यादत में, उसका असर पूरे पाकिस्तान में होगा और दूसरे सूबों से भी काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं वहाँ पे। तो आज तक की तो ये अपडेट है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।